नमस्कार, जेएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर संजय सिंह गौड़, भारतीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश ने क्या कहा, आइए देखते हैं देव विश्वास की रिपोर्ट में। जहां है आपकी नजर, वहां है जेएनआई न्यूज की खबर। सच वही जो जेएनआई न्यूज दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। मैं देव, आपको बता दूं मैं प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हूँ। आपको बताना चाहूंगा, आज कार्यालय में बड़ी ही जोश और उत्साह के साथ में एक प्रोग्राम रखा गया है। और उस प्रोग्राम का विषय में हम प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी लेना चाहूंगा कि आज की प्रोग्राम किस तरह से तैयारी किया गया, किस तरह से कार्यालय का प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है, इस उद्देश्य को हम दिखाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। जरा बताइए, आज तक जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का विषय में जानकारी दे देते हैं। मैं डॉक्टर अध्यक्ष, निश्चित तौर पे हमारा जनजाति वर्ग आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने भी आदिवासी समाज को अभी तुरंत केंद्र सरकार में 8 मंत्री बनाए हैं, जिससे हम हमारे समाज के लोग उत्साहित हैं। और मैं इसी तौर से इस कार्यभार ग्रहण कर रहा हूं। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चे के पदभार ग्रहण करते हुए मैं पार्टी को भी विश्वास दिला रहा हूं और अपने आदिवासी बंधुओं को भी विश्वास दिला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोग 360 विजय प्राप्त करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलेंगे। ये हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष जी है, आज उन्होंने ये तैयारी किया है। यानी कि प्रदेश में जितनी भी कार्यकर्ता है, सब एक्टिवेशन करने में लगे हैं ताकि आने वाला 2022 की ताज की बीजेपी का चिन्ह हो। और हमारे साथ में और एक मेहमान है, मेहमान जी से परिचय के साथ जानना चाहूंगा कि आपका भी बहुत बड़ा स्नेह रहा पार्टी की, और इस विषय में बताया इसका क्या तैयारी, किस तरह से आ रही है। अंतिम व्यक्ति का स्नान करना सबसे गरीब समाजिक जनजाति और काम किया आज आने वाले अगले लोकतांत्रिक परंपरा का पालन कर आज किया हूँ और स्वागत। तो ये पता चली गया होगा, विपक्ष के लिए बहुत बड़ी तोड़ है और ये 2022 की बिल्कुल गर्मा गर्मी आज से देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी कार्यालय का सामने है। क्योंकि पूरी सेना 2022 की तैयारी हो चुका है और आने वाला समय में फिर झंडा लहराने वाले हैं बीजेपी सरकार। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ देव, नमस्कार।